देखो कि आराम से आराम से आराम से जय भारत जय स्वदेशी। प्रिय मित्रों, आप ये जो देख रहे हैं स्वदेशी मेले में, हमने एक विदेशी वस्तु के लिए डस्टबिन बनाया है, चाइनीज कूड़ादान, इसको विदेशी कूड़ादान भी आप कह सकते हैं। और बड़ा हर्ष का विषय है कि बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं कि जो वो चाइनीज पिचकारी खरीदते हैं, चाइनीज वस्तु खरीदते हैं, चाइनीज लड़ियाँ या कोई भी चाइनीज फ़ोन खरीदते हैं, वो जो हमारी इकनॉमी चाइना में चली जाती है, चाइना उसको पाकिस्तान को फंडिंग कर देता है और पाकिस्तान उस पैसे को टेररिस्ट को देके हमारे भारतवर्ष में आतंकवादी भेजता है। तो इस बात को हमने बच्चों को बड़े सुंदर ढंग से समझाया है, क्योंकि हमारा व्यापार घाटा चाइना से सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम इसको चाइनीज कूड़ादान भी कह सकते हैं। लेकिन स्वदेशी जागरण मंच का, स्वदेशी मेला टीम का ये मानना है कि सबसे पहले हमें देश में निर्मित वस्तुओं को खरीदना चाहिए। अगर हमें विकल्प नहीं मिले तो हमें कोई मित्र देश की वस्तु जैसे जापान, वियतनाम, अमेरिका इत्यादि की वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए। तो पहले देसी फिर स्वदेशी, नहीं मिले विकल्प तो खरीदो मित्र देश से विदेशी। आप इसमें देख रहे हैं लाइफ बॉय साबुन रखा है, ये अमेरिका में बैन है, वहाँ पे इसमें आदमी नहीं नहा सकते, कुत्ते नहाते हैं इससे वहाँ से, और ये इंडिया में चल रहा है। इसी प्रकार से ये जो आप कोल्ड ड्रिंक देख रहे हैं, ये सारी विदेशी कोल्ड ड्रिंक है। अगर आप इसको अपने टॉयलेट में डाल देंगे तो आपका टॉयलेट भी चमक जाएगा। तो आदमी की आतड़ी किस प्रकार से ख़राब हो जाती है। हमारे जो स्वदेशी पे हैं, लस्सी है, मट्ठा है, छाछ है, जो हमारा नींबू पानी है, उससे ऊपर कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं है। स्वदेशी मेले में बच्चों के प्रोत्साहन के लिए हमने किया है कि जो भी अपने घर से विदेशी कचरा लेके आएगा उसको हम फ्री ऊँट की सवारी करवाएंगे, उसको बैनर को सीधा करो, फ्री ऊँट की सवारी करवाएंगे और एक इनामी कूपन भी देंगे बच्चों के प्रोत्साहन के लिए। आप ये देख सकते हैं, फ्री कैमल राइडिंग और एक इनामी कूपन, जो रोजाना रात 8 बजे इनाम निकलेगा। कूपन के ऊपर उनका मोबाइल नंबर और नाम ले लेंगे और बाद में उनको इनाम पहुँचा दिया जाएगा। तो हिसार गौरव स्वदेशी मेला ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखने आए, स्वदेशी का संकल्प लें, भारत को फिर से आत्मनिर्भर बनाने में वर्तमान सरकार का साथ दें, यही हमारा मकसद है, यही हमारा इस देश का मोटिव है। हमारी संस्कृति को पकड़ के रखें, संस्कृति हमारी धरोहर है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी देसी चीज़ों का यूज करें, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक में देसी ने ही हमें बचाया था। विदेशी सप्लाइयाँ सारी ठप हो गई थी, सिर्फ इस देसी ने ही हमें बचाया था। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या देखने आए और बहुत सुंदर स्वदेशी विकल्प के रूप में स्टाले लगी हुई हैं, आप देखें समझें। जय हिंद जय भारत।